ब्रेकिंग न्यूज है, एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए को 346 सीटें, इंडिया गठबंधन को 162 सीट मिलने का अनुमान है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। हिंदी पट्टी में मोदी फैक्टर कायम है और बीजेपी को 2019 से 8 सीट ज्यादा मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में एनडीए को 66 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में एनडीए को 2019 से 2 सीटें ज्यादा मिल सकती है। एग्जिट पोल में यह अनुमान सामने आया है उत्तर प्रदेश को लेकर। इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं। यूपी में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली है एग्जिट पोल के मुताबिक। और आइए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर रमन सिंह और संजय सिंह क्या कहते हैं। पूरे देश में जिस प्रकार का नतीजा दिख रहा है, ये माननीय मोदी जी ने जो लगातार 240 से ज्यादा सभाएं की मोदी गारंटी पे, और ये देश सनातन के उस रास्ते पे ही चलेगा जो पुरातन भी है आधुनिकतम भी है। और मुझे लगता है कि 10 साल के विकास पे हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने जम के मुहर लगाया है। और तीसरा टर्न देश के गौरवशाली विकास के लिए होगा। अब इस बार ऐसा एग्जिट पोल आया है जिसने सारे रिकॉर्ड पीछे तो के सारे तोड़ दिए, बेईमानी के, फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड एग्जिट पोल ने तोड़ दिए हैं। और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये एग्जिट पोल मोदी और अमित शाह के द्वारा तैयार किया गया है। और बात 4 जून को लेकर चल रही कांग्रेस की तैयारियों की। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष आज पार्टी उम्मीदवारों से करेंगे बात। सुबह 11 बजे उम्मीदवारों से खड़गे की चर्चा। बैठक में खड़गे के साथ राहुल गांधी भी रहेंगे। दोपहर 1 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। तो नतीजों की तैयारी, आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पार्टी उम्मीदवारों से बात करेंगे। बिग बॉल पर डिटेल्स आपको बता दें कि पार्टी के सभी उम्मीदवारों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे और साथ ही खड़गे के साथ राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, मतगणना की तैयारियों को लेकर उम्मीदवारों से इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 4 जून की तैयारियों और पार्टी के प्रदर्शन पर भी इसमें बातचीत होगी, इसमें चर्चा की जाएगी। यानी 4 जून की ये पूरी तैयारी और ठीक उसके पहले सारे उम्मीदवारों से कांग्रेस के अध्यक्ष की बातचीत। रजनीश रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। रजनीश, क्या तैयारी है कांग्रेस की 4 जून को लेकर और आज की महत्वपूर्ण बैठक किस लिए? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कर दिया कि 295 सीटें इस गठबंधन को आएगी, तो उसको लेकर कोई कसर या कोई कवायद कम नहीं रहनी चाहिए। और तमाम जो कोशिश है वो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम उम्मीदवार अंतिम समय तक अपनी पूरी कोशिश करते रहे, इसी को लेकर ये बैठक हो रही है। और तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात होगी, तमाम जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो अलग से मिलकर बैठेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि अंतिम समय तक जो इंस्ट्रक्शन कल इंडिया गठबंधन की बैठक में दिए गए अपने पार्टी के नेताओं को, उसको बरकरार रखा जाए, मोमेंटम बरकरार रखा जाए और कसर कहीं कम न रह जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन दो बैठकों के अलावा चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग की गई थी, 4 बजे के आसपास में मुलाकात हो सकती है। ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। तो आज ये बड़ी बैठक होने वाली है, साथ ही आज चुनाव आयोग से मिलेगा इंडिया गठबंधन। बैलेट के वोट को पहले गिनने की मांग करेगा, वीवीपैट और सुप्रीम कोर्ट के नियम मानने की मांग करेगा। देखिए, वीवीपैट और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए आज इलेक्शन कमीशन जाने वाला है इंडिया गठबंधन। बैलेट के वोट को पहले गिनने की मांग की जाएगी। हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि सबसे पहले जो बैलेट के वोट है उसकी गिनती की जाए, और इसीलिए ये बैठक भी हुई है और आज इलेक्शन कमीशन जाने की भी बात सामने आ रही है।
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का यह मानना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होती है तो उससे चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का उन्होंने हवाला दिया है, बिहार में कई ऐसे सीटें थी जहां पर बहुत कम मार्जिन से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार हुई थी और इसकी वजह यह थी कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में हुई थी। गुजरात में भी 2-3 विधानसभा की सीटों पर इसी तरह की स्थिति बनी थी और बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी आया था। तो अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग से ये मांग करेंगे कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो ताकि बाद में किसी तरह का माल फंक्शन ना किया जाए। और दूसरा, वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शन है, ज्यादा से ज्यादा उसको मैच किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसका मिलान हो, उसको भी चुनाव आयोग एक निर्देश जारी करे। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां आज चुनाव आयोग आप नजर बना रखे हैं। शुक्रिया रजनीश आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और वहीं दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, लगातार तीसरी बार 7 सीटें जीत सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन बेअसर नजर आया है। और अगली बड़ी खबर है, एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा सकती है, नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट हार सकते हैं। तो देखिए, एग्जिट पोल में यह सामने आया है कि नकुलनाथ की जो छिंदवाड़ा सीट है वो बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा सकती है। और एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सर, एक बार फिर से एनडीए की और बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ये तो सुनिश्चित था। अब की बार 400 पार ही होगा, अब देखिएगा परिणाम तय है। जनता का श्रद्धा और विश्वास नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ देश खड़ा है। सर, आप कितनी सीटें अनुमानित कर रहे हैं, क्योंकि 353 पिछली बार एनडीए की थी, 303 बीजेपी थी, इस बार ये नंबर कितना बढ़ेगा? इस बार अकेली बीजेपी 370 और एनडीए के साथ 400 के पार जाएंगे। मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। और अब खबर है दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, जो आज दिन भर का एजेंडा बनेगी। बड़ी खबर यह कि केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। सरेंडर से पहले राजघाट जाएंगे केजरीवाल, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन। 21 दिन की अंतरिम जमानत आज पूरी हो रही है। और अब आप केजरीवाल की तीन तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है 21 मार्च की, जब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दूसरी तस्वीर है 10 मई की, जब केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर आए थे। आज उनकी अंतरिम जमानत पूरी हो रही है, वो फिर तिहाड़ वापस जाएंगे। ये तीन तस्वीरें अब तक की केजरीवाल के जेल से बाहर आने और वापस जेल जाने को लेकर। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, कितने बजे केजरीवाल आज सरेंडर करने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या निर्देश है जेल प्रशासन की तरफ से केजरीवाल को लेकर? देखिए, 10 मई को अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत दी थी। 1 जून तक उनकी जमानत थी और 2 जून यानी कि आज उनको सरेंडर करना था। केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो आज यानी 2 जून को सरेंडर करेंगे। 3 बजे के बाद वो तिहाड़ जेल जाएंगे और उससे पहले बताया जा रहा है कि वो राजघाट जाएंगे, वहाँ पर माथा टेकेंगे और उसके बाद वो हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस जाएंगे, वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो पार्टी ऑफिस जाएंगे और इसके बाद वो तिहाड़ जेल जाकर के सरेंडर करेंगे। तिहाड़ प्रशासन भी पूरी तरीके से केजरीवाल के आने का इंतज़ार कर रहा है और उनको जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जहां पर पहले भी केजरीवाल को रखा जाएगा। उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किया जाएंगे। इससे पहले कल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने वहां पर अपनी अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी और 5 जून तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा है। यानी कि अब केजरीवाल आज यानी 2 तारीख को 3 बजे के बाद किसी भी पल तिहाड़ जेल की सलाखों के
एक बार फिर पीछे होंगे। ठीक है पुनीत, नजर आप बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 बजे के बाद कभी भी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाकर के सरेंडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की, जो वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी अपडेट है, पोलैंड से नाटो फाइटर जेट का अटैक, यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को रोका गया, कभी भी टकरा सकते हैं रूस और नाटो, रूस की 35 मिसाइलों को मार गिराया। तो रूस ने पूरी रात यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। इन हमलों को पोलैंड से नाटो के फाइटर जेट ने रूसी मिसाइलों का रास्ता रोका है। ऐसे में अब नाटो और रूस किसी भी वक्त एक दूसरे पर विध्वंसक हमला कर सकते हैं। अगर रूस और नाटो टकराते हैं तो वर्ल्ड वॉर तय माना जा रहा है। तो देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यूक्रेन पर हमला किया गया है और पोलैंड ने जो कवच बना है यूक्रेन के लिए, और इसीलिए पोलैंड पर भी अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है रूस की ओर से। तो पुतिन की सेना ने पूरी रात यूक्रेन पर मिसाइल दागी, विध्वंसक हमले को नाटो देश ने कैसे नाकाम किया, पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। नाटो ने कहां कहां रोका रूस का हमला वो देखिए। रूस का यूक्रेन पर पूरी रात विध्वंसक अटैक होता रहा, हमला होता रहा। पोलैंड से नाटो बना यूक्रेन का रक्षा कवच, रूस के विमानों से भिड़े नाटो के फाइटर जेट, कैस्पियन सागर से रूस ने दागी क्रूज मिसाइलें और 4 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उत्तर पूर्वी ब्लैक सी से 10 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लॉन्च की गई। ज़ापोरिज़िया में 3 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन पर रूस ने 47 शाहिद ड्रोन से भी अटैक किए। यूक्रेन की फोर्स का दावा, रूस की 53 मिसाइलों में से 35 मिसाइलों को मार गिराया गया। रूस के 47 ड्रोन में से 46 ड्रोन तबाह करने का दावा भी है। पोलैंड यूक्रेन को सुरक्षा कवच देने वाला पहला नेटो देश है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, इसका क्या अर्थ है? अगर पोलैंड एक नेटो मेंबर होते हुए रूस के हमलों को नाकाम कर रहा है तो क्या इसे सीधी टक्कर न मानी जाए नेटो और रूसी सेना के बीच? बिल्कुल, देखिए कमोबेश अब वही हो रहा है जिसकी आशंका लगातार हम अपने दर्शकों के सामने रखते आए थे कि अब कुछ घंटों की बात जैसी दिखती है, कम से कम उसी तरफ ये डायरेक्शन बढ़ता जा रहा है। और पोलैंड इसके बावजूद कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए वो लगातार एक्टिव था, सहायक था, लेकिन अब जिस तरह की मदद कर रहा है ये साफ तौर पर नाटो की एंट्री का संकेत है। बस इंतजार हो रहा है कि 15-16 जून को जब बाइडेन यूरोप आएंगे और G7 की मीटिंग के बाद जेलेंस्की के साथ वो यूक्रेन के समिट में अमेरिका और यूक्रेन के सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, उसके बाद से अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होगी। लेकिन अभी से लेकर 15 जून का जो पीरियड है उस पीरियड के बीच में आप देख सकते हैं कि पोलैंड हो, डेनमार्क हो, नीदरलैंड हो, कोई भी देश या तो अपनी सेना या अपनी फाइटर जेट के साथ लगातार एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। वो मोमेंट आ चुका है जिसके बारे में हम लगातार बात। बिल्कुल मनीष, ये बड़ा डेवलपमेंट है कि अब नाटो के कुछ देश सीधे रूप से इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं रूस के खिलाफ, नजर बना रखिएगा। इस बीच रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन का पलटवार भी सामने आया है। यूक्रेन ने रूस के 2 ही विमान ऑरलैंड UAV को ढेर कर दिया है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ऑरलैंड UAV को कैसे ढेर किया गया है, निशाना लगाकर ये बड़ा हमला किया गया था रूस की ओर से। रूसी हमले में जवाब में यूक्रेन ने किया है ये पलटवार। और अगली बड़ी खबर, अगला बड़ा अपडेट, रूस की 238वीं ब्रिगेड का घातक हमला, यूक्रेनी सेना के फायरिंग पॉइंट को नष्ट किया। और अब खबर है रूस पर सबसे बड़े हमले से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है। रूस पर F-16 फाइटर से अटैक करेगा यूक्रेन। यूक्रेन को रूस पर F-16 से हमले की परमिशन, नीदरलैंड्स ने F-16 से हमले की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन को 24 F-16 फाइटर देगा नीदरलैंड। वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेन को F-16 के इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, मतलब वॉर जोन में यूक्रेन की तरफ से F-16 रूस में तबाही मचाने वाला है। अगर ऐसा होता है तो रूस और अमेरिका में किसी भी वक्त आमने सामने जंग में उतर सकते हैं, आमने सामने की जंग हो सकती है। और अब बात करते हैं गाजा में इसराइल की बारूदी प्रहार की, ब्रेकिंग न्यूज है। हमास पर इसराइल का जोरदार अटैक, खान यूनिस में IDF का विध्वंसक हमला, हमले में हमास पुलिस का फाइनेंस हेड ढेर हो गया है।
तो गाजा में हमले कर इसराइल कैसे हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है, अब जरा इसे भी समझिए, इसे भी देखिए। आईडीएफ ने गाजा के किन किन इलाकों में बम बरसा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो राफा में टनल के अंदर विध्वंसक हमला हुआ है, रॉकेट AK-47 का जखीरा यहां पर नष्ट हुआ है। और साथ ही सेंट्रल गाजा की बात करें तो वहां पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है, हमास के सैन्य ठिकानों और वेपन स्टोर को तबाह किया गया है। गाजा सिटी में इसराइल का हवाई हमला हुआ है, अल नूर संगठन के ठिकाने पर बम वर्षा, खान यूनिस में आईडीएफ का मिसाइल अटैक, हमास पुलिस का फाइनेंस हेड ढेर हुआ है।